मित्रों आपको ध्यान होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले कोई 10-15 सालों से यहाँ के विद्यार्थी बताएंगे मुझे ज्यादा बेहतर जो वहां से आए हैं, 15 सालों से वहां कोई छात्र संघ नहीं, 1996 के बाद से, 1996 के बाद से बनारस विश्वविद्यालय में छात्र संघों के चुनाव नहीं हुए। जब छात्रों की का अपना कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी जिसके जरिए वो अपनी बात उठा सके, जिसके जरिए वो प्रशासन से बात कर सके, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, तो मैं ये कह पूछना चाहता हूं कि वो विद्यार्थी किसके जरिए और कैसे प्रशासन से बात करें, अपनी मांगों को, अपने सवालों को, अपने मुद्दों को किस तरह से आर्टिकुलेट करें। ये सवाल इसलिए भी उठाना जरूरी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघों की जो एक परंपरा रही है, छात्रों की लड़ाई की जो परंपरा रही है, आंदोलनों की परंपरा रही है, उस परंपरा को भी एक तरह से खत्म करने की, छात्र राजनीति को खत्म करने की। कुलपति जी बार बार कह रहे हैं कि विद्यार्थी राजनीति करते, और जितने बयान वो दे रहे हैं वो सब बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि राजनीति विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए हैं कि यहां से इंसान निकले। अरे मैं पूछना चाहता हूं वो कैसा इंसान होगा जिसको राजनीति की समझ नहीं होगी। विश्वविद्यालय में जो एक तरह से अगली पीढ़ी का नेतृत्व निकलता है, वहां की छात्र राजनीति वहां के स्टूडेंट एक्टिविज्म के जरिए निकलता है, पर वहां पर कैंपस में स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया। ये कोई पूछे, इस सरकार से भी पूछे, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी पूछे कि वहां क्यों नहीं है स्टूडेंट यूनियन? अगर स्टूडेंट यूनियन होती तो क्या ये हालात पैदा होते? मित्रों यहां पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैं तो अपने आज के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई बनारस विश्वविद्यालय में शुरू की है, उनके साथ सॉलिडरिटी जताने के लिए, उनके साथ अपनी एकजुटता जताने के लिए, उस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के बतौर आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं उनकी